छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले पर अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों वर्ग के लोगों पर दर्ज अपराध की समीक्षा शुरू हो गई है। इसके लिए पहली बैठक राजधानी के सर्किट हाउस में हुई और इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ए.के. पटनायक ने अध्यक्षता की है। पटनायक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महाधिवक्ता कनक तिवारी, प्रदेश के डीजीपी डीएम अवस्थी, नक्सल ऑपरेशन डीजी गिरधारी नायक, गृह सचिव अरुण देव गौतम, सचिव आदिम जाति विकास डीडी सिंह, उप पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी, सीआईजी, उप पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला और डीआईजी जेल के गुप्ता भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में प्रकरणों के अवलोकन और विचार विमर्श के बाद समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरणों की उसके गुण दोषों के आधार पर समीक्षा कर संबंधित अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित में न्यायोचित समयबद्ध कार्य योजना के तहत करने का फैसला लिया गया। समय में किस दिशा में इस प्रकरण को आगे ले जाना है और क्या रूपरेखा रहेगा इसके बारे में मोटे मोटे चर्चा हुई और केस टू केस उसके समीक्षा की जाएगा, उसमें न्यायोचित कानूनी प्रावधान के तहत हम उसमें आगे का